ये जी मैं आपको बताता हूँ जी, साढ़े ग्राही है लेतराड़ तहसील कोटली सतिया ने, ये भी दुबई है। तो मैंने को पूछा जी क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम जी, पापा क्या हाल है, सुनाओ कैसियां चल रही हैं। नौकरियां करने मजदूरियां करने घर आले सामने उठा पता नहीं अफसर ले कुरे कमरे बैठे जुटियां सड़ी पुजी गए पैर सर क्या करा दसो ना बड़े औखे तो बड़े मजबूर है लेकिन बस मजबूरी है उन्हें तय घर आले भेजी छड़िया मैं पैसे भेजे करू पैसे पैसे करा ले सामने दफ्तर खोई ना फोन करने हेलो ए चार मोबाइल दस कंबल भेजा इतना गरीब हूं देखो ना तत्ती रेत सड़ी सड़ी पुजी गए कुछ कोई दफ्तर वालू खोई ना तो सामने गए भेजी छोड़ने डब्बे बंद करने ठक पाकिस्तान पुजी गए। अच्छा तो क्या करने हो पापा ड्राइवरी करने हो क्या चलाने हो पापा को ट्रेला कंबल भेजो फोन दस तू तो संगी दोस्त फोन करने मोबाइल भेजा जी सती साहब चार मोबाइल भेजा जी फैक्ट्री लाई ना जा बेरानी इस रे इतना पापा अच्छे तो पता लगी कि इधर के बेड़े पेके कुछ आई बड़ी गर्मी मैं यही गल आखना की उनकी आहो तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान ही टेके रहे हो दस हजार भी मिले ना बचना तो अलहमदुल्ला पढ़ो इतना तत्ती रेतो घर आलिया को दूर शेख लादा बड़ी मजबूरी है ठीक है फिर आ गए तो बस मुड़ी वापसी ना सोचने बूटिया ने पैसे लौटे या तू तू बूटिया ना लाई ना तो त्रोड़ा भरी तो घर आलिया ने डब्बे बहु ना खाक पोची है सब बस मजबूरी है घर आले भी रोज बुढ़ी भी आखनी नवे नवा सूट दो तो बच्चे भी आने संगी दो बड़े बंदे फोन उपरू फोन ना भी कुछ ने चाहो तो तुसा सोदिया किसी भूली गए लोगों मैसेज आना मजबूरी है बाबा क्या करिए दिहाड़ी रामलू छने पूजने बस धूप ना क्या हाल है जो बहु गई अपनी एक नजदीक ही गई मुड़ी देख नहीं आना सूरज देखो तो मुंह अगे चपेड़ मारनी ठीक है मेरे बॉडी ठीक है हमारे कोटली सतिया के भाई जो हमें मिले ये श्रमल में हम इस टाइम जा रहे हैं तो ये मेरे रिश्तेदार भी हैं दूर पार के लेकिन आज मुझे मिले तो मैंने कहा जी चलो आपके साथ इंटरव्यू लेते हैं।